पेड़ पकड़ चलाई। तो सरकारी लोगों पर भी मुकदमे होने चाहिए, सब हम पे ही होंगे, सर अपोजिशन वालों पर ही होंगे। आजम भाई जो ईडी ने बुलाया उसको कुछ बताएं, अभी सीडी जो बुलाएगा जाएंगे थोड़ा सा बता दीजिए, कुछ नहीं बताएंगे। क्या बताना है? कानून व्यवस्था पर कुछ नहीं है, तो 150 मुकदमे हैं, तो इतनी बड़ी फाइन। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ईडी से पूछताछ से लेकर कानून व्यवस्था के सवालों पर जवाब मीडिया से रूबरू होकर अपने ही चिर परिचित अंदाज में देते नजर आए। आजम खान ने अपने कुछ मुकदमों में रामपुर की स्थानीय एमपी एमएलए कोर्ट में तय तारीख पर हाजिर होने आए थे। हालांकि ये बात अलग है कि जज की छुट्टी होने के चलते उनको कोर्ट से अगली तारीख मिल चुकी है। तो सरकारी लोगों पर भी मुकदमे होने चाहिए, सब हम पे ही होंगे, सब अपोजिशन वालों पर ही होंगे। आजम भाई जो ईडी ने बुलाया उसको कुछ बताएं, सीडी जो बुलाएगा जाएंगे थोड़ा सा बता दीजिए, कुछ नहीं बताएंगे। क्या बताना है? कानून व्यवस्था पर कुछ नहीं है, तो 150 मुकदमे हैं, तो इतनी बड़ी फाइन। आज माननीय जनपद न्यायालय में जो न्यायाधीश महोदय छुट्टी पर हैं, उनके कारण ना होने के आज आजम खान हाजिर आए थे अदालत। उनके साथ ओमिन चौहान, वीरेंद्र गोयल, इस्लाम ठेकेदार, सारे मुजरिम आए थे और उनको अगली तारीख दे दी गई। तो जज साहब के नहीं होने से जो फैसला आना था और डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर कुछ हुआ, कोई कार्रवाई हुई आगे कि नहीं हुई? जज साहब के ना होने के कारण कोई कार्रवाई पत्र नहीं हुई, फाइल अगली डेट नियत कर दी है, किसी में 8 तारीख किसी में 12 तारीख लगा दी। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं, मतलब हाँ, कोई वो नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। आज डिस्चार्ज पे बहस होनी थी, डिस्चार्ज पे आदेश होना, चार्ज बन रहा था फाइलों में, लेकिन जज साहब के ना होने के कारण कोई चार्ज नहीं बना, ना कोई बहस हुई, अग्रिम तिथि लगा दी गई है 12/7/8/7। को पढ़ते रहते होना पड़ेगा 12 तारीख को 8 तारीख को जी 8 तारीख को 12 तारीख को फिर दोबारा हाजिर होना पड़ेगा, पर्सनल हाजिर होना पड़ेगा कोर्ट को।